नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है, आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना है, ठीक है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हमने दो डिजिटल प्रोटेस्ट कर चुके हैं ना, लेकिन अगला जो प्रोटेस्ट होने वाला वो आप लोगों के लिए होने वाला है। निष्कर्ष यही निकला कि भाई दो ट्विटर कैंपेन करने से NTPC का तो निकल के आ गया, लेकिन रेलवे ग्रुप डी का क्या? तो अगला जो प्रोटेस्ट होगा कब कैसे होगा हम बात करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन सारा ग्रुप डी के लिए ही सिर्फ होगा, हमारा फोकस होगा ग्रुप डी के एग्जाम डेट को लेके। तो सभी ग्रुप डी वाले इस वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर हैंडल है वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही सारी चीजें आपको बताई जाएंगी क्या चीजें कैसे करनी है, ठीक है। सब बात करें यहां पर, सबसे पहले न्यूज की कटिंग देखते हैं। रेलवे कल हमने जो कैंपेन किया था सारे टीचर्स ने मिलकर एग्जाम कैलेंडर वाला, ठीक है, ट्विटर पे आपने देखा होगा, तो ये नोटिस निकल के आई शाम तक, कहीं ना कहीं रेलवे के ट्विटर ऑफिशियल पे एक ट्वीट निकल के आता है कि 15 जनवरी को आएगा जो CBT 1 का रिजल्ट, ठीक है। इसको हम एक बार पढ़ने की कोशिश करते क्या लिखा है। इसमें लिखा रेलवे भर्ती बोर्ड RRB के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा रिजल्ट अगले महीने की बात हो रही है, 15 जनवरी को आएगा, पिछले वर्ष दिसंबर से जुलाई। आपको पता है ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक की बात करें वो 15 तारीख से ओपन होने जा रहा है, 15 तारीख से ओपन होगा, तो मान लीजिए 15 दिन तक मॉडिफिकेशन लिंक चलता है, ठीक है। तो उसके बाद यहां पे आके देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं उसके बाद हम बात करें। ये लिखा है कि 15 को आएगा और उसके बाद 14 से 18 फरवरी के बीच हम NTPC CBT 2 की परीक्षा करा देंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपका संभावना है कि 15 दिन में, अगर जो हमारा ग्रुप डी का 15 दिन दिसंबर में मॉडिफिकेशन लिंक चलता है, क्या उसके बाद मान लीजिए 15 दिन 20 दिन का टाइम बचता है जनवरी में, क्या वो आपका उसमें टाइम में आपका ग्रुप डी का पेपर हो सकता है? नहीं हो सकता। इतने ज़्यादा बच्चे फॉर्म डाले हैं कि कम से कम 2 से 3 महीने पूरे परीक्षा होने में यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं आगे लिखा है, प्रक्रिया 2 वर्ष पहले शुरू हुई थी, तमाम पदों के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आए थे, रिकॉर्ड आवेदन की वजह से यह परीक्षा रेलवे बोर्ड ने RRB के माध्यम से 7 चरणों में करवाई थी, और RRB की बात करें इसके अधीन करीब 4000 पदों के लिए देख सकते हैं यहाँ पे, और 15 जनवरी के रिजल्ट आने के बाद कुल 20 गुना परीक्षार्थियों को पास करके 14 से 18 फरवरी तक कराया जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है, जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं क्या इसके बीच में परीक्षा कराई जा सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर जो रेलवे जो कह रहा है उस हिसाब से देखें तो NTPC CBT 2 के बाद रेलवे ग्रुप डी परीक्षा कराए जाने की बात यहाँ पे की जानी चाहिए, लेकिन अगर जो वास्तविकता में देखें तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पहले होना चाहिए, क्योंकि आपका NTPC CBT 2 हो गया है, इस बीच में आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम करा सकते हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, आप चुनावी कैंपेन में बिजी रहे, आप सारी चीजें करते हैं, लेकिन रेलवे ग्रुप डी के छात्र जो रहे वो परेशान होते रहे, ठीक है। तो अगला जो कैंपेन होगा, ध्यान रखिएगा हमारा ट्विटर पर, वो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेगा, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट घोषित करो। तो आपको ये ट्विटर है हमारा, देख सकते हैं हमने बेरोजगार आईडी लगा दिया है, आप फॉलो कर सकते हो, हमने दोनों ट्विटर कैंपेन में आपका साथ दिया, वीडियो बनाने की बात हो चाहे दोनों की बात हो, लेकिन आपकी जरूरत है। ये वाला ट्विटर कैंपेन जो दूसरा था बहुत ढीला पड़ गया, लेकिन 13 तारीख को जो प्रोटेस्ट होगा ट्विटर का, हमारा तीसरा डिजिटल प्रोटेस्ट सिर्फ रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को फोकस करके होगा, इस आंदोलन को धीमा नहीं पड़ने देना है, और इस बार हम रेलवे से रेलवे ग्रुप डी को लेके भी एक नोटिस लेंगे कि कब तक एग्जाम कैलेंडर आप जारी करने वाले हो, रेलवे ग्रुप डी का कब तक आप एग्जाम कराने वाले हो। तो इसके लिए आपकी मदद चाहिए, मदद कैसे, वीडियो को शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करो, आप चाहो तो यहाँ पर ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें मैंने बता दी जो इंपॉर्टेंट थी बताने वाली थी, लेकिन यही है थोड़ा सा स्लॉट की दिक्कत हो रही है, ग्रुप डी कब हो सकता है, बस इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ठीक, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और 13 तारीख को डिजिटल प्रोटेस्ट हम लोग करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी को लेकर, उसके लिए बच्चे अभी से जागरूक हो जाए, अभी से तैयार हो जाए, और उसमें हमको कम से कम Trending 1 तक तो जाना ही है, Trending Number 1 तक जाना है, और लगातार 2 से 3 घंटे ट्रेंडिंग में रहना है। कल हमारे सारे टीचर्स की मीटिंग हुई है, उसमें ये बात निकल के आई कि ग्रुप डी के लिए कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है रेलवे की तरफ से, तो हमें अगली जो ट्विटर कैंपेन है मंडे वाली, तो ग्रुप डी को लेके करना है, ठीक। चलिए इसके साथ में, आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ये वाला मास्टर प्रैक्टिस सेट लेके लगा सकते हो, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें आपको मैथ के 20 सेट मिल जाएंगे, स्ट्रेटेजी के 33 सेट, साइंस के 44 सेट, रीजनिंग के 10 सेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में
है, आप इसको लेकर जरूर लगाओ। टोटल प्रैक्टिस सेट है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन के साथ नहीं लेकिन आंसर दिया गया, बेहतरीन क्वेश्चन है अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी को, तो बेस्ट है, मस्ट है, इसको लगाओ पढ़ो। और चलिए इसी वीडियो के साथ हम खत्म करते हैं वीडियो को, और जो भी क्लासेस चल रही है उसको भी देखते रहे, पढ़ाई करते रहे, ठीक है। और अगले मंडे तक आपको एग्जाम डेट के बारे में कुछ ना कुछ हम लोग रेलवे से लेकर रहेंगे, लेकिन आपके साथ की जरूरत है, और जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करोगे उतना रेलवे पर असर पड़ेगा। कौन कहता है डिजिटल प्रोटेस्ट का असर नहीं होता, असर आपने देख लिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।